मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ ने अपनी मूलभूत 5 मांगों को लेकर एक बार फिर प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को अपनी मांगों के निराकरण की मांग को लेकर मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया गया, साथ ही कर्मचारी और हम साथ एक की आवाज बुलंद की। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच की 5 सूत्रीय मांगों का निराकरण कर आदेश प्रसारित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि शासकीय अर्धशासकीय विभागों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों की मांगे शासन में लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन सरकार मांगों का निराकरण नहीं कर रही है, जिससे लाखों कर्मचारियों में आक्रोश है। वहीं जल्द मांग पूरी नहीं होने पर अब कर्मचारियों ने चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जरूरी है, लोग नहीं मजबूरी है, आंदोलन जरूरी है, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। कर्मचारियों की 5 सूत्रीय मांगों में पुरानी पेंशन योजना बहाल, दैनिक वेतन भोगियों को नियमित सहित अन्य मांगे शामिल हैं। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।